नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल यानी कि तेज, यानी कि ताकत, यानी कि शूरवीर, यानी कि जवान ग्रह, इसको मंगल बोलते हैं। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि इसकी शत्रु राशि है। कन्या राशि के स्वामी जो हैं वो है बुध। सुबह 3:22 पर लगभग कन्या राशि में प्रवेश होगा बलशाली मंगल का। और मंगल जब कन्या राशि में जाएंगे तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंगल का गोचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा प्रभाव देने वाला होता है हर व्यक्ति पर, हर राशि पर। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। जिनके पास कुंडली नहीं है वो अपनी नाम राशि से भी देखकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंगल आक्रामक है, मंगल सूर्य के मित्र हैं, मंगल देव गुरु बृहस्पति के मित्र हैं, मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मंगल का क्या प्रभाव होगा आपकी राशि के ऊपर, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। आप सभी लोग, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़कर अच्छी जानकारी और सही जानकारी वक्त वक्त पर प्राप्त करते रहें। हम बात करेंगे अब मिथुन राशि का। शुभारंभ करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का क्या प्रभाव होगा। मंगल का यह गोचर चतुर्थ भाव में होगा। ध्यान से अपनी कुंडली को देखिए, चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है और चतुर्थ भाव का मंगल मांगलिक दोष या कहें थोड़ा क्रोधित बनाता है। तो मंगल मिथुन राशि वालों के छठे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं। ग्यारहवा भाव लाभ का है, छठा भाव रोग ऋण रिपु का है। तो ग्यारहवें भाव में मंगल के रिजल्ट अच्छे होते हैं, यानी जब भी मंगल की दृष्टि ग्यारहवें भाव पर पड़े या मंगल यहाँ पर विराजित हों तो अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि ये हमारी अर्निंग का भाव है, लाभ का भाव है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ होने वाला है। आपको थोड़ा क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में होगा, यात्राएं बढ़ सकती हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, आप थोड़े से अधिक आक्रामक हो जाएंगे, गुस्से के साथ आपके हाथ पैर भी चलने लगेंगे, गुस्सा बहुत आएगा, बेवजह दूसरों से लड़ाई लड़ेंगे, ईर्ष्या करेंगे, दूसरों से बेवजह उनके साथ नोकझोंक करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको परेशान करेंगी। लेकिन परिवार की जहाँ तक बात आएगी, आपके अपने परिवार की, अपने परिवार की देखभाल की, तो वहाँ पर आप कोई लापरवाही नहीं करेंगे, परिवार के लोगों के लिए चिंतित रहेंगे, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाएंगे। परिवार के लोग, मित्र, पड़ोसी, कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए सहकर्मियों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप अपनी संतान पर बेवजह गुस्सा ना करें, नहीं तो रिश्ते खराब होंगे। आप कठोर भाषा का प्रयोग करेंगे और आपके छोटे भाई बहन की बात और आपकी बात में अंतर हो सकता है, यानी कि भाई बहन से आपका तालमेल ठीक नहीं बैठेगा। आपके दबाव के कारण रिश्तेदार या अन्य लोग जबरदस्ती आपको सलाम ठोकेंगे या जबरदस्ती आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, यानी कि आपका दबदबा इतना होगा कि अगर आप किसी को कुछ बोलेंगे तो वो लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे डर के मारे। आपका जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपकी जीवन साथी या आपका जीवन साथी जो भी है वो आपको गलत रास्ते पर चलने से पहले आगाह करेगा या करेगी, आपको बताएगा या बताएगी कि आप गलत कर रहे हैं, वो अपना पूर्ण सहयोग भी देंगे और उनकी सलाह अगर आप मानेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपका क्रोध गलतियां कहीं ना कहीं कराता चला जाएगा, ये गलतियां नौकरी में भी होंगी, व्यापार में भी होंगी, इससे नौकरी और व्यापार दोनों प्रभावित होगा, सावधानी रखनी होगी क्रोध पर, चिड़चिड़ेपन पर, उतावलेपन पर। व्यापार में लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिवार या जीवन साथी का साथ महत्वपूर्ण होगा, तो इनको नाराज मत करिएगा, इनको इग्नोर मत करिएगा। ध्यान रहे परिवार वालों को कोई गलत फहमी ना हो आपके प्रति या किसी काम के प्रति, या कोई काम आपसे जुड़ा हुआ है उसमें उसको लेकर परिवार वालों को गलत फहमी ना हो। अगर आप नया घर लेने का विचार बना रहे हैं तो विचार बनाइए, घर वगैरह देखिए, आपको लाभ हो जाएगा। या किसी पुरानी संपत्ति को बेचकर लाभ कमाना चाहते हैं
तो भी वक्त आपका ठीक रहेगा। आप घर बनवा सकते हैं, घर की साज सजावट पर पैसा खर्च कर सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के बीच में थोड़ा बहुत तनाव बना रहेगा। विवाहित लोगों का जीवन साथी का साथ मिलेगा, विवाहित लोग जीवन साथी के साथ से अच्छा काम कर पाएंगे। अगर जन्म कुंडली में मंगल बहुत खराब है तो आपका हृदय जो है जलन और क्रोध से भरा हुआ होगा। आपको अपनी शक्ति का गलत प्रदर्शन करने का मन करेगा, अपनी पावर का गलत प्रदर्शन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये मंगल जब बहुत ज़्यादा खराब होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा झगड़ालू या अपनी पावर का गलत प्रयोग करने वाला होता है, दूसरों से उसका मोह भंग हो जाता है, हर जगह लड़ाई झगड़ा करता है। तो आप अपने मन की शांति को बनाकर रखेंगे तो मंगल नहीं बिगड़ेंगे। मन क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा को कंट्रोल कर लेंगे तो मंगल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको कोई हथियार का काम है तो सावधानी से करिएगा, या कई लोग लाइसेंसी बंदूक या जो भी चीज़ें लाइसेंस से मिलती है अपने पास रखते हैं, ऐसे वक्त में ना रखें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो गलती से गोली चल सकती है, क्योंकि आप गुस्से में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, या बहुत प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। कोई हथियार रखते हैं तो संभाल कर रखिएगा। पेट का विकार, पेट संबंधी जो रोग हैं वो होने की संभावना है, और पेट जो है आपको बहुत परेशान करने वाला है। परिवार की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, परेशानियां आएंगी लेकिन परिवार की स्थिति फिर भी ठीक रहेगी। पारिवारिक स्थितियों को सुधारने के लिए आपको थोड़ा सा धन अर्जन और ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके परिवार को जो महिलाएं हैं उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, और बहुत अच्छी तरीके से अपने हर वक्त का मैनेजमेंट करना होगा। हर तरीके से आपको सब कुछ सही सही करके चलना होगा, और किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, इन सब से बचना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कष्ट बहुत बढ़ रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। आपको मंगल को बेहतर करने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। आपको अपने दांत जो हैं सादे पानी से पहले धोने चाहिए, फिर उसके बाद टूथपेस्ट वगैरह लगाएं, और अपनी पत्नी की सलाह से काम करें, उनकी सलाह माने तो और बेहतर होगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए फिर बेहतर रिजल्ट क्रिएट कर देंगी। कोई बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है मिथुन राशि वालों को, आप लोग ये थोड़े थोड़े से काम करते रहिए, इससे आपको बहुत बहुत लाभ होता चला जाएगा। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। हरिओम, नमस्कार।